फिर मनोज क्षीरसागर है, फिर कुणाल कौशल है, फिर वर्षा बरखा बरखा है बरखा पिंचा सॉरी जी। और गेस्ट में कौन आने, गेस्ट में मंगल प्रभात जी आएंगे, राजपुरोहित जी आएंगे और दिलीप सेन जी आएंगे, अतुल शाह जी आएंगे और आलमगीर जी आएंगे, और भी वेरियस गेस्ट तो आने वाले हैं, इतनी लिस्ट अभी थोड़ी एक्साइटमेंट में भूल गया हूँ। सुनील सर, जरा गानों की अगर बात की जाए तो कौन से गाने हैं जिनका सिलेक्शन हो गया है, तो आप गाए जाएंगे या जितनी परफॉर्मेंस हम देख पाएंगे? मेजोरिटी गाने जो होंगे वो रेट्रो ही होंगे, मोस्टली 85 के पहले के होंगे। एक गाना नया परपरली लिया गया है कि नया गाना अभी इस पर कैसे आता है उसके हिसाब से। साइलेंस प्लीज सर, जरा उसके बारे में बताएंगे आप, आपके जो शो से जुड़े हुए हैं जिन्हें आप थैंक्स करना चाहें तो प्लीज सर। सबसे पहली मेरी टीचर मिसेस पुष्पा म्हात्रे, राज नायक जो ऑर्गेनाइज किया, संजय बेड़िया जिनका इतना मोटिवेशन रहता है, फिर मेरी फैमिली और मेरे दोस्त, उनका सबका इतना प्यार है कि उनका 1.5 साल से बार बार चले आ रहा था कि आप प्रोग्राम कीजिए प्रोग्राम कीजिए प्रोग्राम कीजिए। तो साजोर आवाज़ पहले 19 नवंबर को किया था, 35 साल बाद सबका इतना रिस्पांस रहा, तो हमने अभी सोचा वापस से करें। मैं प्रेसिडेंट हूँ, थोड़ा सा इसलिए बहुत डिले हो गया, रोटरी प्रेसिडेंट के चलते बहुत जिम्मेदारियाँ थी। सुनील सर, जब आप परफॉर्म करते हो 35 साल बाद कौन सा वो गाना है जिसकी डिमांड है या जो आपके दिल को लगा? वो गाना खुद अपने आप में वैसा ही है जिसका नाम है प्यार हुआ इकरार हुआ, श्री 420 का है, आज बम्बई में हम लोग जैसे सब 420 ही है। अच्छा, 35 साल आप इन 35 सालों में बॉलीवुड के नए नए और नए नए सिंगर्स आए, म्यूजिक की दुनिया बहुत बदली, आप क्या कहते हो ये बदलाव कितने हद तक अच्छे हैं और कितने हद तक ओरिजिनल म्यूजिक को डिस्ट्रॉय कर चुके हैं? कुछ भी चीज़ ख़राब नहीं होती, सब न्यू चेंजेस तो कंपलसरी, एक पुरानी पुरानी चीज़ तो बहुत ख़राब लगती है। हालांकि मैं पुराने गाने बजाता हूँ क्योंकि मैं फ़िलहाल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में लगा हुआ हूँ, गानों की तरफ ध्यान नहीं दे पाता, लेकिन गानों का नुकसान है, गानों का नुकसान नहीं, मेरा भी नुकसान है ये, लेकिन मेरे पास कुछ मजबूरी है, क्या करूँ। कुछ ऑडियंस आप कहना चाहोगे जो आपको इतने लंबे गैप बाद एक बार फिर से सुनने के लिए उत्साहित होंगे? उनको कहने के लिए क्या है, म्यूज़िक के बिना ज़िंदगी नहीं है, म्यूजिक के वापस से आना पड़ता है, 35 साल बाद कैसे महसूस होता है मुझे मालूम है। इनके बिना मैं कहीं नहीं जाता, तो यहाँ भी नहीं आ सकता, इसलिए इनको साथ में रखना पड़ता है, कुछ नहीं करता मैं। नहीं, ज़्यादातर इनकी चॉइस सिलेक्शन एंड द फ्लो ऑफ द थिंग इज वेरी वेरी गुड। प्यार हुआ इकरार हुआ बहुत अच्छा गाना लगता है, ही इज़ प्लेइंग द नागिन का धुन, इट्स वेरी गुड। मतलब मैं नहीं बोल सकती बिकॉज क्योंकि सारे गाने जो भी ये प्ले करते हैं बहुत अच्छे गाने। ट्रूली स्पीकिंग नहीं बजाते, 35 साल तो उन्होंने छुया भी नहीं और अभी भी बहुत कम बजाते हैं, हालांकि इनको बहुत शौक है म्यूज़िक का बट बजाते नहीं हैं। एक बार तो हो ही गए थे। मैं उसको बहुत अच्छे नज़रिए से देखती हूँ बिकॉज एप्रिशिएशन, किसी के पास कला है तो कोई एप्रिशिएट करेगा, और इनके पास तो उस इंस्ट्रूमेंट की कला है जो कि आज अपने हिंदुस्तान में दुनिया में लुप्त हो रहा है, या बहुत कम आर्टिस्ट है, और यही रीज़न है कि ये इस दुनिया में वापस से आए हैं, क्योंकि किसी ने रिक्वेस्ट करी थी कि भाई अगर आप लोग इसको थोड़ा सा वापस से करो तो ये इंस्ट्रूमेंट जो लॉस्ट हो रहा है ये वापस से आ जाएगा, तो इसके लिए इन्होंने वो चीज़ की प्रेरणा लेके शुरू किया। इट वॉज अ वेरी पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट इन फिल्म इंडस्ट्री, लेकिन डिफिकल्ट होने से, पेशेंस नहीं होने से लोग नहीं बजा सकते। इट इज लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड और सिमिलर कॉम्प्लिकेटेड लाइक वायलिन, इट कैन सिंग एनीथिंग, दैट्स व्हाई आई कॉल इट सिंगिंग हवाईन गिटार, आई डोंट से इट हवाईन गिटार। सुनिए सर, अब आगे एक बार फिर से अपने बिजनेस पर वापस आते हैं, ऐसे साज और आवाज 3 4 5 6 10 हम देख पाएंगे?
दोनों चीज़ें कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, साज और आवाज़ के लिए भी फिल्म इंडस्ट्री के चक्कर नहीं है, म्यूजिक रखना है और बिजनेस रखना, दोनों काम कंपल्सरी है। थैंक यू। एक बार फिर से रखा गया है मुंबई में एक म्यूजिकल नाइट, कुछ कहना चाहते हैं दिलीप सिंह साहब? बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा और इनकी हिम्मत और इनका जोश देख के, क्योंकि 35 बात कहने के लिए 35 साल होती है, मगर इनके दिल में, इनकी धड़कन में वो साज बसा हुआ है। तो जिस तरीके से दिल की धड़कन चलती है तो साज की जो अदाई है, खास करके ये इंस्ट्रूमेंट के लिए मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि इसको बजाना ही सबसे कठिन है। बाकियों में तो क्या आप फिंगर यूज़ कर सकते हैं, मगर इसमें फिंगर यूज़ नहीं कर सकते, इसमें शायद आप बेल्ट यूज़ कर रहे हैं। तो आप सुनेंगे तो आप खुद ब खुद, आप लोग मेरे ख्याल से आप लोगों ने भी फर्स्ट टाइम वो इंस्ट्रूमेंट देखेंगे। हाँ, तो नहीं सुना तो सुनिए और इनको बहुत बहुत बधाइयाँ दीजिए। और मैं संजय बेड़िया साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे मैंने एक गाना कल फादर्स डे है, तो उसके लिए मैं, यहाँ दामाद है यहाँ बेटा है, तो मैं ये कहना चाहूँगा जो गाना मुझे काफ़ी पसंद है और आप लोगों को भी पसंद आ गया, फादर्स डे के लिए मैं ये गाना चाहूँगा। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा, ऐसा काम करेगा, नाम है तुझे चाहना काम है। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं आज मैं अपने आप को नहीं सुनाने आया हूँ, मैं आज सुनील जी को नहीं, आपको भी सुनेंगे, ऐसे नहीं है। नहीं। अनमोल रतन एक बात सही है कि दिलीप सेन मुर्दे से भी गाना गवा सकते हैं। धुन सिखा सकते, मैं आपको ये कह दूं सरोज कृष्णा, अगर आप लोगों ने मेरा म्यूजिक सभी ने सुना है और मेरे म्यूजिक में कभी अभी तक ऐसी कोई बात नहीं आई जो मैं कभी झूठ कहता हूँ। सरोज तो मेरी भतीजी, भतीजी आ गया, आपने हमारी पिटिया आ गई है, तो मैं इनको भी पिटिया को भी बधाई दे रहा हूँ। थैंक यू। आज मतलब बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए। मैं वैसे कहना चाहूँगा कि आज हम लोगों की ईद है, तो मेरे लिए एक नहीं दो दो ईद है, और इस ईद के मौके पे मुझे दो चांद नजर आ रहे हैं, एक चांद मेरी इधर है, एक चांद मेरी इधर, सूरज के साथ में और हम सूरज के साथ में। ऐसा है कि मैं इस फंक्शन में होने का कारण सरोज
और सुनील जी। सनोल सरोज मेरी भतीजी है, इनके फादर सांवरमल सराफ और मेरा बहुत, मैं बहुत छोटा हूँ उनसे भाइयों के अंदर, पर हम दोनों का बहुत प्रेम है। और मैं और दिलीप जी और हमारा पूरा परिवार इनके परिवार के संग जुड़ा हुआ है, ताकत के साथ हम इनके साथ रहेंगे, हमेशा रहेंगे, कला के साथ हम हमेशा रहेंगे। और आज हम होस्ट हैं, आज होस्ट वाला काम करेंगे हम, ठीक है पूजा जी? कुछ तो वाक्य सुनाना पड़ेगा। मैं भी यही, कल फादर्स डे है, मुझे गाना ही था, ये एक छोटी सी लाइन थी, है ना। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, तू तो एक नंबर का लफड़े बाज बनेगा, है मेरी मंजिल है कहाँ। गाना बजाना। थैंक यू। बिल्कुल, सबसे पहले तो मेरे सत श्रीकाल, सलाम आदाब, नमस्कार और सभी को ईद मुबारक मेरी तरफ से। मुझे जब इनविटेशन मिला हमारे बड़े भाई की तरफ से, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि बॉम्बे में आने का मेरा जो था सपना वो साकार हो गया है, क्योंकि बॉम्बे में आने के बाद ये मेरी ज़िंदगी का पहला एक रियल इवेंट है, जिसको जब हम बचपन में देखते थे टीवी में तो ये गाने सुना करते थे, आजकल वो चीज़ें खो चुकी हैं। वो सुनने के लिए मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक था कि अच्छे सिंगर आएंगे, अच्छे कलाकार परफॉर्म करेंगे, और मैं बहुत आभारी हूँ हमारे सुनील सिलसिले वाला जी का, जिन्होंने हमें इन्वाइट किया, और हमारे भाई बड़े जिनकी बदौलत मैं इधर पहुँचा हूँ। तो मैं बस आज कोई गेस्ट बन के आया हूँ यहाँ, कलाकार सेलिब्रिटी बन के नहीं आया हूँ, जब से छोटा सा गेस्ट बन के आया हूँ, हमारे दामाद लगते हैं होस्ट बन के हमारे बड़े भाई हैं और हमारे दामाद भी लगते हैं, तो उनका हम यहाँ पे सेलिब्रेशन करने हैं प्रोग्राम। आप बता रहे थे कि बहुत साल पहले जब टीवी पर देखते थे आपको, अमिताभ जी के, मन्ना डी जे और अपना किशोर दादा, जितने भी बड़े सिंगर हैं उन सब के गाने मैं सुनता था अक्सर, बट आजकल के ये चीज़ें जो रियलिटी है म्यूजिक की, असली संगीत है रूह का, वो खो चुका है। नहीं, सिंगर भी ठीक है सर, इंस्ट्रूमेंट भी ठीक है, उनको गाने गाने वाले आजकल क्या है, डिजिटल हो गया म्यूजिक, कोई भी गा सकता है, ऑटो ट्यून करके कोई भी गा लेता है, वेस्टर्न कल्चर हमारे इसमें ज़्यादा आ चुका है, और ये जो गाने बज रहे हैं अंदर, धुनें बज रही हैं, ये हमारे इंडियन कल्चर की धुनें हैं, हमारे हिंदुस्तान। हाँ, मेरा पहला गाना मुझे मिला था बॉडीगार्ड फिल्म में, वो भी है तो खैर वेस्टर्न ही, बट वो था ये काकिया जी, मेरा छोटा प्राय है, ये मेरा प्राय है, मेरी बच्ची है जी, ये तो जब फैमिली फंक्शन होते हैं, मैं दिलीप सेन का और इसका ऋणी हूँ, अगर आज दिवाली होती तो मैं इनके फंक्शन में नहीं जाता, आज इनकी ईद है तो दोनों ने मुझे ऋणी बनाया हुआ है और मैं जिंदगी भर इनका ऋणी रहूँगा इस बात का। मेरी दिवाली होती तो मैं कभी नहीं जाता, मैं मेरे घर में रहता, मेरे परिवार के साथ रह के, मेरा ये आदमी हर चीज़ छोड़कर दिलीप सेन अपने परिवार का फंक्शन छोड़कर उनके घर में मजमा लगा हुआ है, और आज ये मेरे जवाई के लिए, हमारे सराफ परिवार के और बेड़िया परिवार के जवाई के लिए इन्होंने ये सब किया है, तो मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरे काके का, इसके लिए मैं हमेशा हमेशा खड़ा हूँ 24/7। पाजी का गाना सुनेंगे जी, स्टेज ले लिया तो फिर हमारे जवाई को स्टेज मिलेगा नहीं।